उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति पर इन दिनों ईडी का शिकंजा कसा हुआ है, क्योंकि बीते 16 जनवरी को हुई छापेमारी में ईडी को कई ऐसे सबूत मिले थे जिसको लेकर फिर से कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। ईडी की टीम ने गुरुवार को लखनऊ, अमेठी और मुंबई स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इसी को लेकर ईडी ने गायत्री प्रजापति के बेटे अनुराग प्रजापति को भी गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान गायत्री प्रजापति की विधायक पत्नी महाराजी प्रजापति की तबीयत बिगड़ गई थी, फिलहाल वो ठीक है। लेकिन अब गायत्री प्रजापति के घर की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें परिजन रोते बिलखते दिख रहे हैं। साथ ही गायत्री की बेटी ने इस कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठाए हैं और परिवार को साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। किस मामले को लेकर पूछताछ कर रहे थे, क्या कुछ बताया? प्रॉपर्टी के लिए पूछ रहे, बार बार वही चीज पूछ रहे, सब सब चीज हो गया। हम लोग को पता है, एक ही चीज के लिए बार बार आ रहा है। हम लोग क्या दे, कहाँ से दे, कुछ है ही नहीं तो कहाँ से दे दे। बस मेरे मम्मी को, पापा को, भाई को, भाभी पर फंसाने के लिए सब साजिश बची गई है। इसी के साथ गायत्री प्रजापति की बेटी ने अपने भाई की गिरफ्तारी पर बताया कि ईडी ने नहीं बताया कि वो उनके भाई को कहां लेकर जा रहे हैं। साथ ही पिता के केस में गवाही के बाद भी सुनवाई नहीं होने की बात कही। हम लेकर चलेंगे, हम कहां लेकर जा रहे हैं ये नहीं पता है, लखनऊ का नाम बता के लेके गए। ये शरीयत है, हमारे फैमिली को फंसाया जा रहा है। इसके पीछे कौन है, क्या देख रहे हैं, क्या लग रहा है, कौन है, किनको बताए? हमको ऐसा लग रहा है सब हम लोग के पीछे ही पड़े हैं। मामा साथ साथ से जेल में, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अब ईडी में फंसाया जा रहा है। इस केस में पापा को अंदर किए हैं, महिला बोल चुकी है कि मेरे साथ कोई गुनाह नहीं हुआ है, अब उससे कुछ नहीं हुआ, नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, अब ईडी के मामले में फंसा रहे हैं, बस जेल में रखना चाहते हैं मेरे फैमिली को और हम सबको। सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ गायत्री जेल में है, तो वहीं अवैध खनन मामले में अब ईडी ने भी शिकंजा कस लिया है।